रियासत में गठबंधन सरकार के चलते जम्मू संभाग में इस समय हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाहे वह मामला आसिफा हत्याकांड में इंसाफ को लेकर हो या फिर वेतन की मांग को लेकर कई विभागों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हों, हर तरफ राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शनों का दौर जारी है। जम्मू संभाग के लोगों ने भाजपा को बहुमत देकर सत्ता बीजेपी के 25 एमएलओ को सौंपी थी, जिनमें से डॉक्टर निर्मल सिंह जम्मू संभाग के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और भाजपा कोटे से कई मंत्री कैबिनेट में बैठे, ताकि जम्मू संभाग के लोगों के कई काम होंगे और समस्याएं हल होंगी। लेकिन भाजपा सिर्फ विकास के नाम पर ही अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। नौशहरा के लोगों को जिला बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक रविंदर रैना चुप्पी साधे हुए हैं। इसी चुप्पी के पीछे भाजपा के सभी एमएलए और मंत्री अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में हैं। जनता चाहे तो सड़कों पर ही अपना दम तोड़ दे। भाजपा के राज में पहली बार लोगों की हालत ना घर की रही और ना ही गांठ की। अगर यही हाल रहा तो लोगों को अपना घर बाहर छोड़कर किसी और राज्य में बसना पड़ेगा। वहीं अगर नौशहरा की बात करें तो पिछले करीब 1.5 महीने से लोग अपना कारोबार बंद कर सड़कों पर उतरे हैं। अब नौबत स्कूल और कॉलेज बंद करने तक भी पहुंच गई है। मंगलवार को भी हजारों की संख्या में लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल और कॉलेज की छात्राएं और छात्र भी शामिल हुए। हाईवे पर टायर जलाकर लोगों ने रोष जताया। प्रशासन द्वारा स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। लोगों का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। एक महीने से ऊपर हो गया नौशहरा बंद हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने बहुत बार नौशहरा बंद किया, हाईवे तीसरी बार आज बंद हो रहा है, तीसरी चौथी बार, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमने पहले भी कहा था कि स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए हमने बच्चे नहीं बुलाए। आज हमने सिर्फ ट्रेलर बुलाया है तो लोग और बच्चे मिला के 10,000 बंदा आज पुल के ऊपर इकट्ठा है। अभी सिर्फ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा बंद है और सिर्फ हायर सेकेंडरी बंद है। कल को हम ITI भी बंद करेंगे, उसके बाद हायर सेकेंडरी भवानी, हायर सेकेंडरी कलसिया, हायर सेकेंडरी सेरी, इतने बच्चे ही ले आएंगे। ये क्या बात करते हैं लाठी चार्ज की। हमने किसी एमएलए को यहाँ से जिता के नहीं भेजा। आने वाला कल जो आएगा ना, इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोगों को संभालना और हम लोगों की डिमांडें पूरी करेगी तो जान छूटेगी, नहीं तो ऐसे ही छूटेगी। इतनी देर हमने ये अपनी अजीब रस्म नहीं छोड़नी जब तक हमारा फैसला हमारे नौशहरा के हक में नहीं होता। तो मैंने पहले भी कहा ये अंधी बैरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें टाइम लगेगा। अब बच्चे भी सड़कों पे आ गए हैं और हमारे जितने भी कॉलेज स्कूल हैं वो भी बंद हैं। और अगर अब भी प्रशासन नहीं जागता, ये पता नहीं कौन सी दोगली राजनीति हमारे नौशहरा के साथ हो रही है। जंग शुरू हो चुकी है बॉर्डर पर, ये लोग तोप और गोलों से नहीं डरते। आपकी ये थोड़ी सी फोर्स से ये डरने वाले नहीं। आप जितना मर्जी डरा लो, हम ये आप रुकने वाली स्ट्राइक नहीं, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। जब तक हमारा जिला नहीं मिलेगा तब तक हम चैन तक नहीं बैठेंगे।
ऐसे है 36 दिनों से हमारी ये हड़ताल जो है, हमने गवर्नमेंट के बारे में ये सोचा था कि ये हमें आश्वासन दे रही थी कि हमारा आपको हम जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट जो है वो देंगे, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट वो हमें गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा नहीं, ना उनके कानों में जूं रहती है। और आज के दिन आप जितने भी स्कूल कॉलेजेस बच्चे लेडीज बच्चियां हमारे स्कूल की सब इकट्ठे होकर यहाँ पहुंची हैं और हमें आज इतना कड़ा वो स्टेप जो वो लेना पड़ रहा है। नौशहरा से हरबख्श सिंह, अलर्ट इंडिया न्यूज़।